एक कटोरी बेसन ले लिया है और अब इसमें मैं कुछ कटी हुई सब्जियाँ डालूंगी। मैंने प्याज काट ली है, मैंने टमाटर ले लिया है, शिमला मिर्च कट कर ली है और मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है और अब मैं इन सभी चीज़ों को बेसन में डाल दूँगी और अब मैं इसमें थोड़ी सी तिल डाल देती हूँ और अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी और अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगी और अब इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले डालूंगी, जैसे नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, मिर्च भी स्वाद अनुसार डालूंगी और मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूंगी और बहुत थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर भी डाल दूंगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करेंगे। हमारा बैटर एकदम रेडी है, अब हम इसके चिल्ले बनाते हैं। तवा हमारी एकदम गर्म हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा घी या तेल लगा लेते हैं और अब हम इसके चिल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े, पतले मोटे हम कैसे भी बना सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से पकने देते हैं। इस तरफ भी अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। एक तरफ से हमारा चीला एकदम पक चुका है, अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। चीला दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक चुका है, इसी तरीके से अब हम हमारे बाकी के चीले भी बना लेते हैं। लीजिए, हमारे हेल्दी चीले एकदम रेडी है, आप भी इसे बनाइए और आपको ये कैसे लगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी ही मिलते हैं एक आसान और टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।